जी हाँ, बड़ी खबर भी है और खुशखबरी भी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि वन प्लस सिक्स टी से सस्ता होगा वन प्लस सेवन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि वन प्लस सेवन को लेकर चल रही अफवाहों के बीच इस फ़ोन को रिटेल वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ज़िगटॉप नाम की वेबसाइट है जो कि वन प्लस की कीमत, फ़ोटो के साथ और भी जानकारी दी गई है यहाँ पे। वहीं हम आपको बता दें कि फ़ोन के फ्रंट फ़ोटो में देखा जा सकता है कि इसमें नॉच डिस्प्ले दिया गया है। बाकी का डिज़ाइन हाल ही में लीक हुई तस्वीरों की तरह ही नज़र आ रहा है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ 12 GB रैम हो सकती है। वन प्लस सेवन ऑक्सीजन OS पर बेस्ड एंड्रॉयड पाई पर काम करेगा। फ़ोन में 6.5 इंच का एमोल्ड डिस्प्ले होने की बात कही गई है इस वेबसाइट पर। वहीं लिस्टिंग के मुताबिक फ़ोन में तीन कैमरे होंगे। रियर में 48+20+60 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। वहीं सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा होने की बात सामने आई है। बैटरी को लेकर कहा गया है इस वेबसाइट पे कि इसमें 44 वाट की डैश चार्जिंग दी जाएगी। वहीं इसके अलावा इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में वन प्लस के CEO पेटे लाओ ने सीनेट को दिए गए इंटरव्यू में कन्फर्म किया था कि वन प्लस में वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गिजटॉप वेबसाइट पर दी गई जानकारी से इसकी कीमत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वेबसाइट पर वन प्लस को $569 की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है, जिसका मतलब भारतीय बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 39,828 रुपये हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि वन प्लस 60 से कम कीमत में ये फ़ोन आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि वन प्लस 60 की 8 GB और 128 GB की कीमत 41,999 रुपये है और 8 GB प्लस 256 GB की कीमत 45,999 रुपये है। तो आपको क्या लगता है कि वन प्लस 7 की कीमत कितनी होनी चाहिए और ये फ़ोन कैसा है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वहीं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।